अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग चैनल। आई होप आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, आ गया एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और मैं पूरा दिन मैच देखने में चलेगा और आखिरी में एक उम्मीद थी कि इंडिया जीतेंगी, पता नहीं, लेकिन बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। अभी हारने वाली है, हारी नहीं, हारने वाली है बहुत बुरी तरीके से। सुबह से पूरा दिन उसी में चलेगा, तो ऐसा होगा कि उम्मीद लगा के बैठे और बहुत बुरा रही। पता नहीं, खुशी होती है कि इंडिया जीती, बल्कि इंडिया वाले बहुत ज़्यादा, इंडिया क्रिकेटर भी बहुत कॉन्फिडेंस में थे। अभी मैं आया हूँ, ये देखिए, बाकी मैं कहाँ आया हूँ बताता हूँ। ये मेरे घर के करीबी है। अभी मतलब सुबह से बाहर भी नहीं निकला था मैं, तो अभी निकला हूँ कुछ बाहर खाने करने के लिए। ये मेरे घर के करीब पड़ता, तो यहीं सुबह से नहीं निकला था, तो अब आया। 21 रन्स बनाना है 61 बॉल में, भाई इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती भाई। शिट, अगर आज जीत जाती थी ना, मज़ा आ जाता था, मैं तो बहुत खुश होता था भाई। आए हाय, लेकिन बहुत बुरी तरीके से गया मैच। जाने तो इसके साथ मूड भी ऑफ है। अब कुछ खाऊंगा, खा के करके देखो। आप व्लॉग भी बहुत कंटिन्यू इरेगुलर हो गया था व्लॉग। चलो कुछ खाते। तो भाई व्लॉग नए बनने का रीज़न ये है कि बस कामा चल रहे थे और कामों में बिज़ी हो जा रहा था, दोस्ता भी नहीं आ रहे थे, दोस्ता भी कामों में बिज़ी है बहुत ज़्यादा। तो मतलब एक रहता ना भाई, दोस्त आ रहे तो भी थोड़ा हंसी मजाक होता करता, तो मैं भी क्या है टाइम भी निकाल सकूँ। अब मैं जब अकेले निकलता हूँ ना बाहर, तो ऐसा मतलब मन नहीं करता है कि ब्लॉग बना करूँ, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना दे रहा हूँ मैं, ताकि अपडेट रहूँ और आगे कुछ बनाऊँगा मैं अच्छे ब्लॉग्स। थोड़े काम ऐसे चल रहे हैं, कामों में बिज़ी हो जा रहा मन, फिर ऐसा हो रहा है कि ब्लॉग अरे रहने देंगे, बनाएंगे अभी थोड़ा बनाएंगे, ऐसे करते करते ब्लॉग्स लेट हो जा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। और रही बात आज संडे था, फिर भी जो है ना ब्लॉग नहीं बना, क्योंकि सुबह से मैं एक IPL के चक्कर में था। आज IPL का मसला ऐसा था कि 2 बजे से जो बैठा हूँ IPL देखते हुए, कि उम्मीद लगी थी कि इंडिया जीतेंगी, पता नहीं क्या मिलने वाला है, क्या हासिल होने वाला था मेरे को, जो ऐसा इंटरेस्टिंग से देख रहा था। लेकिन अगर इंडिया जीत जाती थी ना, खुश हो जाता था। अभी थोड़ी देर में मैच भी ख़त्म है, जो मतलब 2 रन लेना है इन लोगों को, 2 रन है 44 बॉल्स, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हारे। और विकेट्स तो 3 विकेट्स लिए, और ऑस्ट्रेलिया वाले तो पूरे 10 के 10 विकेटाओं खाड़े समझो, तो एक बस उसी चीज़ का गम बोल सकते, तकलीफ बोल सकते, क्या है नहीं मालूम। और जिम भी ज्वाइन करूँगा सोचा, लेकिन अब मेरा जो है ना बॉडी डिसऑर्डर हो गई थी, तो आज सुबह में बोन सेटिंग के पास भी जाके आया, तो बस ऐसे जा रहे हैं। अभी मेरे को एक चीज़ लेना है, मैं सर्दियाँ शुरू हो गया ना, क्योंकि उसके लिए तो एक हुडी लूँगा बल्कि सोचा था, तो अभी हुडी लूँगा, उसके बाद कुछ खाऊंगा, या तो उससे पहले खा लूँगा कहीं, अगर रास्ते में कुछ दिख गया अच्छा तो खा लेके निकलूँगा। सुबह से निकला नहीं था, अभी निकला हूँ, और व्लॉग भी नहीं बनाता तो थोड़ा व्लॉग कंटिन्यू कर लूँगा सोचा है। कम से कम 5 मिनट का व्लॉग बना के डालूँगा, शेयर करूँगा कि क्या चल रहा है, स्टेटस आखिर करंट क्यों नहीं बना रहा हूँ, कहीं जाने से करूँ, क्योंकि एक तरफ तो बॉडी पेन भी हो गया था मेरे को, जो बॉडी डिसऑर्डर होने की वजह से, और दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि मतलब जॉब पे से आ रहा था लेट, और बनाना भी दिल नहीं भरा था, और कहीं जाना भी दिल नहीं भरा था। वैसे तो बहुत सारी जगह अभी मतलब एक्सप्लोर ही नहीं करा मैं सही से। हैदराबाद की बात करूँ तो कोशिश करूँगा नॉर्मल ब्लॉग्स ही डाल दूँ, आप लोगों को अपडेट रहूँ कम से कम। और आज IPL में भी बहुत इच्छी हो गई, IPL के जैसे मूड ऑफ हो गया सीरियसली। इंडिया जीतना था वर्ल्ड कप, लेकिन कॉन्फिडेंस बोलते ना, कॉन्फिडेंस भी था आपको, कॉन्फिडेंस के चक्कर में भाई विराट कोहली भी उखड़ गया, रोहित शर्मा उखड़ गया, दो जने जाने के बाद से तो और कॉन्फिडेंस तो हो गया।